नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकी। आप देख रहे हैं आर्ट बालाघाट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोटोशॉप में फोटो को गोरा कैसे करते हैं, हाउ टू मेक दिस फोटो फेयर इन फोटोशॉप सीसी इन हिंदी। आज हम समझेंगे कि फोटोशॉप में फोटो को गोरा कैसे करना होता है, इसकी क्या क्या प्रोसेस है, कैसे स्टेप्स काम करते हैं। बिल्कुल ही आसानी से आपको इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर चीज़ें नहीं समझ में आती, दोबारा से इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल ही चीज़ें समझ में आने लगेगी। सिंगल क्लिक में फोटोशॉप में फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर लेके आ जाऊँगा। यहाँ से इसका साइज ले लूँगा मैं 64:300 का रिजॉल्यूशन। ओके क्लिक करूँगा, राइट, ये फोटो क्रॉप हो जाएगी। ये फोटो 300 के रिजॉल्यूशन में 4:6 साइज में क्रॉप हो चुकी है। इसका कॉपी बना लूँगा यहाँ से। बहुत सारे तरीके हैं कॉपी बनाने के, अपने अपने हिसाब से सारे लोग वर्क करते हैं और सारे तरीके सही काम करते हैं। यहाँ पर फोटो को ला लिया है मैंने। सबका अपना ओपिनियन है कि लोग कैसे बनाते हैं, कौन कैसे बनाता है, क्या कैसे चीज़ें काम करती, बहुत सारी। यहाँ पर सबसे पहले मैं लेवल चेक करूँगा, इधर आऊँगा लेवल में, लेवल चेक करूँगा। देखेंगे लेवल तो ठीक है, लेकिन काफ़ी ठीक भी है और काफ़ी कम भी है। तो यहाँ से सबसे पहले लेवल बढ़ाऊँगा मैं, इधर आएँगे और यहाँ से लेवल थोड़ा सा बढ़ा दूँगा, बस इतना काफ़ी है मेरी समझ से। और यहाँ से आके इधर पे एक नया लेयर बनाऊंगा। नया लेयर बनाने के लिए आपको बताया मैंने ऑलरेडी, यहाँ से आएंगे, इधर से भी लेयर बना सकते हैं, यहीं से बना लेता हूँ यहाँ पर 1 नंबर पे, और ये बना लिया। यहाँ ब्रश वाले टूल पे आएंगे, ध्यानपूर्वक इसकी सेटिंग देख लेंगे। यहाँ से इसको बिल्कुल रिसेट कर देने वाला हूँ और यहाँ से आऊँगा, इसको बढ़ा लेता हूँ इतना। और यहाँ पर देखेंगे इधर पर एक स्मॉल थंब का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक कर लेंगे अगर क्लिक ना हो तो, और यहाँ रेंडमली इसमें क्लिक कर लेता हूँ और बस इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है बस। और यहाँ से इसको वाइट को ऊपर, ब्लैक को नीचे, और यहाँ पेंट करूँगा वाइट वाला मैं। मेरी सुविधा अनुसार मुझे जैसा बेहतर लगेगा वैसा मैं पेंट करूँगा, वैसा मैं बनाऊँगा। ज़रूरी नहीं है, तरीका सबका सेम नहीं हो सकता, हो भी सकता है। तरीके फोटोशॉप में क्या बताओगे, कौन सा तरीका बताओगे? कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीके से बनाया जाए, सबके अपने अपने तरीके हैं। कोई भी इस टाइप से भी काम किया जा सकता है, कोई पर्टिकुलर एक तरीका नहीं है कि किस टाइप से वर्क किया जाएगा। सबके अपने अपने तरीके हैं, अलग तरीके हैं, सेम तरीके हैं। अगर मान लो कि किसी कंपनी ने बिस्किट बनाया है तो दूसरी कंपनी बिस्किट नहीं बना सकती क्या? ऐसा नहीं होता। एक तरीके से भी काम करोगे तो काम वही होने वाला है, दूसरे से भी करोगे तो वही होने वाला है, तीसरे से भी करोगे तो वही होने वाला है। चाहे सिमिलर हो, काम करने का प्रोफेशन, समझाने की क्वालिटी होनी चाहिए कि कौन कैसे समझाता है, कौन कैसी चीज़ों पे वर्क कर पाएगा, कौन कैसे एक्सप्लेन करता है, ये ज़्यादा डिपेंड करती है कि तरीका डिपेंड करता है। मेरी समझ से ये चीज़ डिपेंड नहीं करती एक चीज़ को। बात तो दुनिया में कोई बात नहीं है, बात करने का अंदाज अलग अलग होता है, वरना सब बात एक जैसे ही है। तो ये चीज़ है कि बस यहाँ से इतना फिनिश कर लूँगा मैं इसको, और इधर पर भी थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा, यहाँ तक के मैं कर लेता हूँ इसको, जहाँ तक मुझे लग रहा है वहाँ तक मैं इसको वर्क करूँगा। ध्यान से देखेंगे, मैं एज ए प्रोफेशनल तरीके से नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल रेंडमली ट्यूटोरियल में हूँ, उस हिसाब से मैं बना रहा हूँ। ये ट्यूटोरियल बिल्कुल बिना कट किए हुए मैं बनाता हूँ, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी कि मैं थोड़ा इधर उधर भी अगर कर दूँ तो उसके लिए थोड़ा क्षमा प्रार्थी, क्योंकि मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल में हूँ और रेगुलर कंटिन्यू रहते हुए इतनी सारी बातें करते हुए आप लोगों को समझा पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ये चीज़ हो गई। इसके बाद में यहाँ ब्लर में आएंगे थोड़ा सा, और ब्लर गार्जियंस चला देंगे। कितना चलाएंगे मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको कि 3.4 या 3.5 चला देंगे और ओके क्लिक कर देंगे, बस इतना काफ़ी है। यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ पर सॉफ्ट लाइट में क्लिक कर देंगे, जैसे क्लिक करेंगे फोटो कुछ इस तरह से आ जाएगी। इसकी ओपेसिटी करके 65% कर दूंगा मैं, बस इतना काफ़ी मेरे लिए। इस लेयर को इसके साथ मर्ज कर लूँगा, जैसे ही मर्ज करूँगा फोटो कुछ ऐसी हो जाएगी। यहाँ पर आऊँगा वापस ब्राइटनेस में, थोड़ा सा इधर कॉन्ट्रास्ट में क्लिक करूँगा, ये इतना काफ़ी है। और यहाँ से आऊँगा लेवल में इधर क्लिक करूँगा, यहाँ से इधर क्लिक करूँगा, यहाँ से इधर बस, और इधर आऊँगा वापस, और यहाँ से फ़ोटो फिल्टर में क्लिक करूँगा। फ़ोटो फिल्टर में क्लिक करने के बाद आपको ये देखेंगे यहाँ पे 20% में चलाऊँगा यही वाला कलर, देखेंगे ये वाला 85 वाला कलर है, ओके कर दिया। इधर आऊँगा वापस हुई एंड सेचुरेशन में आऊँगा, और यहाँ से थोड़ा सा कलर बढ़ाऊँगा, बस इतना काफ़ी है। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लूँगा मैं, बस इतना काफ़ी है, ओके क्लिक कर दिया। बस यहाँ तक की प्रोसेस थी। अब यहाँ पर आपको ये कर्व चलाना है, कर्व में आऊँगा और यहाँ से इसको थोड़ा सा फिनिश करने की कोशिश करूँगा, बस इतना काफ़ी है। अब यहाँ पर एक और काम करना है आपको, इधर आना है और ऑटो कॉन्ट्रास्ट में क्लिक कर देना है। ऑटो कॉन्ट्रास्ट से अगर ज़्यादा फर्क नहीं भी पड़ता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब यहाँ से आने के बाद आपको इधर पर आना है। अगर आपके पास फिल्टर नहीं है तो आप फिल्टर बनाना सीखिए। आपको मैंने ऑलरेडी फोटोशॉप में 7.0 CS3 फोटोशॉप CC सारे सॉफ्टवेयर में फिल्टर कैसे बनाना होता है, एक्सटर्नल सोर्स से कैसे,
क्या प्रोसेस होती, लगभग सारी चीज़ें मैंने समझाया हुआ है। उन चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और उस पर वर्क करेंगे तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। इतनी चीज़ें समझ आ जाने के बाद में आप फिल्टर चला सकते हैं। अगर आप चाहें तो गूगल करके नेट से डाउनलोड कर सकते हैं एक्सटर्नल फिल्टर, जो कि मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है। अगर उसी प्रोसेस को ज़्यादा लंबा अगर मैं करता हूँ तो आप लोगों को ट्यूटोरियल लंबी लगेगी और थोड़ा बोर लगेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं एक्सटर्नल सोर्स से कर लिया है। अगर आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिए या बाय कर सकते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया में आपको चीज़ें मिल जाएगी, इंटरनेट पर चीज़ें मिल जाएगी कि लोग प्रमोशन कर रहे हैं इन चीज़ों का, कि ये चीज़ कैसे काम करती है। अब यहां देखेंगे, ये सब चीज कर ली, फिल्टर करना है मुझे थोड़ा सा। फिल्टर करने के पहले एक काम छोटा सा करना है मुझे, जो कि ये है कि इधर आऊंगा मैं, यहां पर एक टूल मिलेगा आपको, बर्न टूल, ओ की बटन दबाएंगे तो आ जाएगा, और यहां से मैं इसको थोड़ा सा बर्न कर दूंगा, यानी ब्लैक कर दूंगा, थोड़ा डार्क करूंगा मैं यहां पर, कहां जहां जहां जरूरत है मुझे वहां वहां मैं डार्क करूंगा। इधर आईब्रो में जरूरत है थोड़ी सी, यहां से मैं इसको चला के थोड़ा डार्क कर लूंगा। बहुत ज्यादा हो गया है, 50% की जगह मैं 20% रखने वाला हूं। यहाँ पर इतना और थोड़ा छोटा और इधर पे इतना, बस इतना काफ़ी है। इधर पे भी सेम करना है मेरे को, बस इतना काफ़ी है। और यहाँ से मैं आँखों पे भी थोड़ा थोड़ा लगा दूंगा इसको, और कलर को थोड़ा सा इधर इसके ऊपर भी लगा देता हूँ। ऑलरेडी डार्क है पर थोड़ा सा फिनिश करने का तरीका अलग होता है मेरे समझ से, थोड़ा कर लोगे 19-20 तो एडजस्ट हो पाएगा। और यहाँ पर इसी टूल पर रहते हुए ब्लैक अल्टर का बटन दबाएंगे तो ब्लैक की जगह वाइट परफॉर्मेंस देने लगेगा यही टूल, देखेंगे यहाँ पर ये वाइट परफॉर्मेंस दे रहा है। अब मेरे को समझ में कैसे आ रही है, देखो ये आ रही है अल्टर के साथ अगर प्रेस रखता हूँ तो। बस यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाना है, ये इधर से थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा और यहाँ से थोड़ा सा कम कर दूंगा, बस इतना काफ़ी है। और यहाँ एक फ़िल्टर यूज़ करूँगा, ये वाला फ़िल्टर, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ से बिल्कुल ये फ़िल्टर में सिंगल क्लिक करूँगा, बिल्कुल सिंगल क्लिक, और यहाँ से देखेंगे कि फ़ोटो बहुत ही आसानी से फ़िल्टर भी हो गई है, फिनिश भी हो चुकी है। अब यहाँ फ़िल्टर तो मैंने चला दिया, इसको थोड़ा कम कर दूंगा 85%, और यहाँ से थोड़ा आपको फॉल्ट नज़र आएगा कि थोड़ा कैसा तो अजीब सा लग रहा है, तो यहाँ आएंगे फ़िल्टर में और यहाँ आएंगे और इधर पर क्लिक करेंगे और यहाँ थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा मैं, पहले ऐसी थी अभी कुछ ऐसी हो गई, बस इतनी डिटेल चाहिए थी मुझे। और यहाँ से इसको 50% कर दूंगा, 62% काफ़ी है। और यहाँ से मैं लिप्स को रेड करूँगा। लिप्स रेड करने के लिए यहाँ से कोई भी रेंडमली टूल ले लेंगे, मैं यहाँ पे ऐसे रेंडमली कट कर रहा हूँ, किसी भी टूल से कर सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है। और यहाँ से अपनी सुविधानुसार एडजस्ट कर लेंगे इस चीज़ को, बस इतना काफ़ी है। और यहाँ से एक नया लेयर ले लेंगे, थोड़ा सा मैं इसको सेट करना चाहता हूँ, बस इतना काफ़ी है। ध्यानपूर्वक अगर समझेंगे, अगर ये चीज़ मैं कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये समझने की नहीं है, समझने की ये है आप लोगों को, यहाँ से लेयर डिलीट कर देता हूँ, पहले ये कट कर लिया। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें बहुत आसानी से बनने लगेगी, बस यही चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बाकी कोई भी चीज़ नई नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप कर पाएंगे। यहाँ पर क्लिक करूँगा, एक नया लेयर ले लूँगा और यहाँ से कलर फिल करूँगा रेड वाला, मुझे रेड कलर काफ़ी बेहतर लगेगा, ये रेड कलर। अल्टर के साथ बैक स्पेस का बटन दबाएंगे, ये चीज़ काम कर जाएगी। डिशेल कर लेता हूँ, ये लगता है कि काफ़ी ख़राब लगेगा, इसलिए यहाँ पर आके यहाँ पर ब्लर गार्जियंस पर क्लिक करूँगा, जैसे ही करूँगा यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा, 1.2.5 ये काफ़ी होगा। और यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर मैं ओवरले में क्लिक कर दूँगा, सॉरी ओवरले नहीं, मल्टीप्लाई में क्लिक कर दूँगा, तो देखेंगे लिप्स का कलर कैसा हो गया। इसको थोड़ा सा व्रैप करेंगे, अपनी सुविधानुसार व्रैप कर लेंगे इसको, ताकि ये ख़राब ना लगे, अपनी सुविधानुसार देखेंगे कि कौन सी चीज़ कैसे कैसे काम कर रही है। यहाँ से ये हो गया और इधर से भी थोड़ा सा व्रैप कर लेंगे, बस इतना काफ़ी है। इसकी ओपेसिटी करके रख देंगे 87, इसका फिल कम कर देंगे थोड़ा सा 85, 4 और 5, बस इतना काफ़ी है। और देखेंगे थोड़ा सा अगर आप चाहें तो और बड़ा इसको कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से व्रैप करके इसको थोड़ा सा इधर एडजस्ट करेंगे, बस इतना काफ़ी है। और देखेंगे कि बहुत ही आसानी से आपने फ़ोटो बना के कंप्लीट तैयार कर लिया है, देखेंगे ये। अब कंपैरिजन दिखाऊंगा मैं, ये फ़ोटो पहले ऐसी बनी, ऐसी है अभी बनी हुई, और पहले कुछ ऐसी थी, ये और ये कितना अंतर है, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ हो गई, इसमें थोड़ी सी चीज़ें और सुधारी जा सकती है, लेकिन मैं वो ये नहीं बताऊंगा कि यहाँ क्या सुधारी जा सकती है। ये लोग ये चीज़ आपको डिफाइन करना, आप लोगों को कि ये चीज़ कहाँ पर कौन सी चीज़ और सुधारी जा सकती, वो देख के बताओ यार कि कैसी कैसी चीज़ें काम कर गई। तो फिलहाल के लिए सिर्फ यही चीज़ थी कि कैसे क्या गोरा करना होता है फ़ोटो को, क्या कैसे काम करती, कौन कौन सी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें होती, वो सारी चीज़ों में मैं ये चीज़ आपको बता दिया, नॉर्मल वे में जो चीज़ थी वो चीज़ बता दिया, और एडवांस लेवल पर काम करती है।
फिलहाल के लिए सिर्फ यही चीज थी। कैसा लगा ट्यूटोरियल कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आर्ट बालाघाट को। कोई भी सवाल जवाब चाहते हैं इंस्टाग्राम पे आओ, मेरे से बात करो, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे पाऊं। फिलहाल के लिए सिर्फ यही चीज थी। किसी भी प्रकार की हिंदी में डिटेल जानकारी पढ़ना हो आप हमारे ब्लॉग पोस्ट को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा artbalaghat.com का। देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, जय भीम।